हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च 2019 और यह हमारी 95वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया गया है, जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले ओबीसी कैटेगरी को 14% आरक्षण प्राप्त था, जो अब बढ़कर 27% किया गया है। अब बात आई मध्य प्रदेश की, तो मैप में आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें। ये जगह है मध्य प्रदेश को दर्शाती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस अभ्यारण्य में 20 से 30 अफ्रीकन और नामीबिया से चीते लाए जाएंगे, जिसका सही ऑप्शन है नौरादेही अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में 20 से 30 अफ्रीकन और नामीबिया से चीते लाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी प्रदान की है। अब बात आई है नौरादेही अभ्यारण्य की, तो आपको इसके बारे में बता दें, ये अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसका क्षेत्रफल 1200 स्क्वायर फीट है। एक बार फिर आपको बता दें, नौरादेही अभ्यारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में आता है। नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1200 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य। तो इतना आपको इस अभ्यारण्य के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पीएम मोदी ने किस मंदिर के नवनिर्माण की आधारशिला रखी है, तो इसका सही ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्माण की आधारशिला रखी है। आपको बता दें, 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार किया था और अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके नवनिर्माण की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किसे कोस्टारिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, जिसका सही ऑप्शन है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हाल ही में वेंकैया नायडू जी को कोस्टारिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। यह उपाधि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय हैं और इन्हें यह उपाधि कानून, लोकतंत्र, विकास और शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए दी जा रही है। तो आपको याद रखना है, कोस्टारिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को दी गई है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसका सही ऑप्शन है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दिया है। यहाँ के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपना इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति जी ने असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। तो आपको याद रखना है, मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपना इस्तीफा दिया है। अब बात आई है मिजोरम की, तो मैप में आपको मिजोरम के बारे में बता दें। ये जगह है मिजोरम को दर्शाती है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी और यहाँ के गवर्नर के राजशेखरन ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो इनकी जगह असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, जिसका सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग। हाल ही में सुभाष चंद्र गर्ग को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1983 बैच के राजस्थान कैडर के
आईएएस अधिकारी हैं और ये अजय नारायण झा की जगह लेंगे। आपको बता दें अजीत कुमार मोहंती को बीएआरसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और पीवी रमेश को राष्ट्रीय अभिलेखागार का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है नया वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को अजय नारायण झा की जगह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पद्मा लक्ष्मी। हाल ही में पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें ये भारतीय मूल की एक राइटर और खाद्य विशेषज्ञ हैं। ये पूरे वर्ल्ड में समानता और भेदभाव के खिलाफ संगठन की लड़ाई का समर्थन करेंगी। अब ये यूएनडीपी क्या है तो इसके बारे में आपको बता दें यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी स्थापना 1965 यानी 1965 में की गई थी और हेड है अस्टिम स्टेनर। यूएनडीपी के हेड है अस्टिम स्टेनर और हाल ही में भारतीय मूल की पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में आंचल अमृत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में आंचल अमृत योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आंचल योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में वीक में दो बार बच्चों के लिए 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। तो मैप में आपको उत्तराखंड के बारे में बता दें ये जगह है उत्तराखंड को दर्शाती है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार के बक्सर में। हाल ही में बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इस प्लांट से 1320, आपको याद रखना है इस प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। यह संयंत्र 2023 में तैयार होने की संभावना है। अब ये थर्मल प्लांट बिहार में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो मैप में आपको बिहार के बारे में बता दें ये जगह है बिहार को दर्शाती है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। बिहार के गवर्नर हैं लालजी टंडन। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी है पटना। तो इतना आपको बिहार के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी मात्र 13 घंटे में पूरी की जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन तीनों ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है पोलैंड। हाल ही में पोलैंड में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है। यह पूल 148 यानी 148 फीट गहरा है और इसका आकार 27 ओलंपिक पूल्स के बराबर है। पूल में अंडर वाटर टनल भी है। अब ये स्विमिंग पूल पोलैंड में बनाया गया है। तो आपको पोलैंड के बारे में बता दें पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा और पोलैंड की करेंसी है पोलिस ज्वाल्टी। पोलैंड की करेंसी है और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डुंडा। तो इतना आपको पोलैंड के बारे में याद रखना है और मैप में ये जगह पोलैंड को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मॉनेस्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला वेतन में कितने प्रतिशत का अंतर है? तो इसका सही ऑप्शन है 19%। हाल ही में आई मॉनेस्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला के वेतन में
19% यानी 19% महिला और पुरुष के वेतन में अंतर है। यह असमानता लगभग सभी सेक्टरों में है। 2017 में यह असमानता 20% थी, जो हाल ही में घटकर 19% रह गई है। तो आपको याद रखना है, यह रिपोर्ट मॉनेस्टर ने लॉन्च की है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।